हाय फ्रेंड्स, तो जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसके अंदर मैंने आपको प्यूरिन पढ़ा चुका था, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं, सॉरी दोस्तों, प्यूरिन में आपको पढ़ा चुका था, और आज हम लोग देखने वाले हैं पिरिमिडिन, ठीक है। तो देखो पिरिमिडिन क्या होता है, पिरिमिडिन के तीन टाइप्स होते हैं, ठीक है। पिरिमिडिन के तीन टाइप्स होते हैं और तीनों में कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं जो मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले ये तीनों टाइप्स आप लोग देख लो। एक होता है साइटोसिन सबसे पहला, फिर दूसरा होता है यूरासिल, ठीक है, और थर्ड वन होता है थाइमिन, ठीक है। ये तीन पिरिमिडिन के ही पार्ट है, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन, ठीक है। तो देखो इनमें कॉमन प्रॉपर्टीज क्या है। सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ कॉमन प्रॉपर्टीज की, ठीक है, फिर वन बाय वन करके हम लोग इसको देख लेंगे, ठीक है। तो देखो कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, जैसे देखो आप लोगों ने प्यूरिन में पढ़ा होगा, कॉमन प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया हुआ था, बस वैसे ही है पूरा का पूरा। देखो ये है, देखो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, सिक्स मेंबर रिंग स्ट्रक्चर बोल सकता हूं, यानी इसको 1 1 2 3 4 5 6, तो क्या मैं इसको सिक्स मेंबर रिंग स्ट्रक्चर बोल सकता हूँ या नहीं, रिंग बोल सकता हूँ या नहीं, क्योंकि ये क्लोज स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से मैं क्या इसको रिंग बोलूंगा। और कितने पोजीशन दिखाई दे रहे हैं आपको, सिक्स पोजीशन, 1 2 3 4 5 6। देखो मैं इसको राइट अप कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 और ये सिक्स पोजीशन, मतलब मैं इसको सिक्स मेंबर रिंग स्ट्रक्चर बोल सकता हूँ, इजिली बोल सकता हूँ, ठीक है। और आपको इसमें जैसे कि देखो वहाँ पे आपको मैंने बताया हुआ था कि आपको फोर पोजीशन पे आपको नाइट्रोजन दिखाई देंगे, पोजीशन क्या थी, 1 3rd 7th और 9th। तो यहाँ पे भी क्या होगा, 1 पे होगा नाइट्रोजन, 3 पे होगा नाइट्रोजन, लेकिन आपको क्या यहाँ पे 7th और 9th पोजीशन नहीं है, मतलब क्या नाइट्रोजन तो नहीं दिखाई देगा, और रिमेनिंग पोजीशन पे आपको क्या दिखाई देंगे, बाकी बचे हुए जगहों पे आपको दिखाई देगा कार्बन, ठीक है। ये देखो ये कार्बन, ये कार्बन, देखो ये कार्बन, ये कार्बन आपको अपीयर होगा, ये कार्बन दिखाई देगा रिमेनिंग पोजीशन पे, जो कि 2nd 4th 5th और 6th पोजीशन पे आपको कार्बन दिखाई देगा, ठीक है। अब जैसे कि बात कर लेते हैं डबल बॉन्ड की, बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि डबल बॉन्ड आप कार्बन कार्बन के बीच में बनाओगे, ठीक है, बना दो। और देखो ये डबल बॉन्ड के बाद ठीक आपको कहाँ आना है, देखो डबल बॉन्ड बनाने से पहले एक स्ट्रक्चर की हम लोग बात कर लेते हैं इसके अंदर, उसमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसके जो फोर्थ वाली पोजिशन पे, इस पर आपको क्या दिखाई देगा, NH2 ग्रुप दिखाई देगा, ठीक है, और ये सेकेंड वाली पोजीशन पे आपको दिखाई देगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं ये डायग्राम है आपका साइटोसिन का, ठीक है, थोड़ा यूरेसिल के नीचे बन गया, जबकि ये है साइटोसिन, ठीक है। अब देखो आप डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ लगा सकते हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिए, 1 2 3, 3 बॉन्ड कंप्लीट है, मतलब आप चौथा बॉन्ड किसके साथ बना दोगे, हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट कर दोगे, यहाँ पे भी हाइड्रोजन दे दोगे क्योंकि 3 बॉन्ड कंप्लीट है, 1 2 3, और ये फोर्थ बॉन्ड भी इसके कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब देखो बात कर लेते हैं, यहाँ पे तो कहीं भी हम लोग डबल बॉन्ड नहीं बना सकते, क्योंकि देखो 1 2 3 4, ये कार्बन की अपनी चारों बॉन्ड इसने बना रखा है, लेकिन इस नाइट्रोजन को पास तो नहीं है 3 बॉन्ड, तो एक हाइड्रोजन लगा के मैंने इसकी तीनों बॉन्ड कंप्लीट कर दिए। और यहाँ पे भी मैंने क्या किया, एक मिनट, यहाँ पे बन सकता है, देखो यहाँ पे देखो कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया हुआ, 3 1 2 3 3 बॉन्ड बनाए हुए, और नाइट्रोजन ने कितना बॉन्ड बनाया, 2 बॉन्ड बनाया, मतलब क्या इसके बीच में एक तीसरा बॉन्ड हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। लो मैंने ये तीसरा बॉन्ड बना दिया। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये किसका डायग्राम है, ये दोस्तों ये डायग्राम है साइटोसिन का, ठीक है। देखो इसको मिटा के मैं यहाँ पे साइटोसिन लिख देता हूँ, क्योंकि तीनों डायग्राम मैं यहीं बना दूंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। साइटो,
सीन, और इसको बना देते यूरेसिल, यूर, ठीक है। देखो यूरेसिल्स को ना कंप्लीट यू से कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, साइटोसिन को कैपिटल सी से और थायमिन को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ही एडेनिन को आप लोगों ने देखा होगा पिछले वाले डायग्राम में, तो वहां पे मैंने आपको बताया नहीं था, तो जो आपका एडेनिन था उसको हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते थे और ग्वानिन को हम लोग कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। एडेनिन को कैपिटल ए से और ग्वानिन को कैपिटल जी से, ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये देखो, ये तो इमेज बन गया किसका, साइटोसिन का है, इमेज मैंने ड्रॉ कर दिया। अब देखते हैं यूरेसिल का। देखो तो इसके बीच में ना ये तीनों में कॉमन प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे हम लोग, पहले ये बता देता हूँ। देखो ये सिक्स मेंबर रिंग स्ट्रक्चर है, मतलब ये तीनों ही सिक्स मेंबर रिंग स्ट्रक्चर होंगे। सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, जैसे ग्वानिन और एडेनिन और ग्वानिन के अंदर मैंने आपको बताया था डबल रिंग स्ट्रक्चर, ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। पहले फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे आपको नाइट्रोजन देखने को मिलेंगे और रिमेनिंग पोजीशन पे आपको कार्बन देखने को मिलेंगे। ये तीनों, ये जो प्रॉपर्टीज मैं आपको भी बताया, ये तीनों में ही कॉमन होंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यूरेसिल की। तो देखो यहां पे आपको पहले तो इस पहले नाइट्रोजन बना लिया करो, जानते हो बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाएगी आपको। नाइट्रोजन बना लो पहले फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे, और रिमेनिंग पोजीशन पे आपको क्या कार्बन ड्रॉ कर देना है, ठीक है। यूरेसिल बना रहे तो दोस्तों यूरेसिल में जो फोर्थ वाली पोजीशन है, यानी कि ये वाली पोजीशन, इसके पास भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा और सेकेंड वाली पोजीशन के पास भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, देख रहे हैं आप। तो अब सोचो कि डबल बॉन्ड कहाँ लगा सकते हैं, यहाँ इजिली ड्रॉ कर सकते हैं। देखो 1, 2, 3 बॉन्ड बनाया इस कार्बन ने, तो इसका जो फोर्थ वाला बॉन्ड है इसको मैं हाइड्रोजन दे दूंगा और इसको भी हाइड्रोजन दे दूंगा, जो कि ये सेम ही स्ट्रक्चर है दोनों में, ठीक है। अब देखो क्या मैं यहाँ पे चौथा फिफ्थ कोई बॉन्ड ड्रॉ कर सकता हूँ क्या, नहीं। 1, 2, 3, 4 चारों बॉन्ड इसके कंप्लीट है, और यहाँ पे भी देखो चारों बॉन्ड इसके कंप्लीट है, मतलब मैं कहीं भी नहीं कर सकता। यानी कि आपको नाइट्रोजन को एक हाइड्रोजन देना पड़ेगा और इस नाइट्रोजन को भी आपको एक हाइड्रोजन देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इमेज जो देख रहे हैं आप लोग, ये हो गया आपका यूरेसिल का इमेज, ये भी आपको ड्रॉ करना है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं थायमिन के इमेज की। तो थायमिन के इमेज में कुछ नहीं है दोस्तों, बस आपको यहाँ पे क्या करना है, CH3 लगाना है, यानी कि आपको मिथाइल ग्रुप लगाना है, ठीक है। तो देखो अब इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। कोई इसको बनाया था एक्चुअल में साइटोसिन यहाँ होता है, यूरेसिल और थायमिन तो अच्छा लगता, लेकिन अब थोड़ा हो गया तो आप लोग समझ लेना जरा। पहले आपको जैसे मैं बोला हूँ, पहले और थर्ड पोजीशन पे आपको क्या लगाना है, नाइट्रोजन लगाना है, ठीक है। नाइट्रोजन ड्रॉ करने से क्या आपको एक सही अंदाजा पता चल जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पोजीशन जो कि आपको यहाँ पे दिख रही है। पोजीशन याद रखा करो कहाँ से चालू हो रही काउंटिंग, ठीक है। और रिमेनिंग पोजिशन पर आपको कार्बन लगाना है, ठीक है। और देखो इसके अंदर क्या होगा, ये जो सेकेंड वाला कार्बन है आपका, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होंगे, और ये फोर्थ वाला जो कार्बन है यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होंगे, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बोला, ये जो फिफ्थ वाला जो आपका कार्बन है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है आपको किससे रिप्लेस करना है, CH3 ग्रुप से रिप्लेस कर देना है, जिसको मिथाइल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। और आप जैसे कि डबल बॉन्ड दिए हो जहाँ जहाँ पे वहीं दे दो, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं आया क्योंकि कार्बन ने अपने चारों बॉन्ड कंप्लीट कर दिए। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड नहीं आएगा क्योंकि कार्बन ने बॉन्ड पूरे कर दिए, ठीक है, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, कॉल आ रहा है, इसको मैं रोक देता हूँ। तो वीडियो डिस्टर्ब हो गई थी आपके, वीडियो कॉल आ गया था,
ठीक है, अभी एयरप्लेन मोड पे डाल दिया तो कॉल नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट जो स्ट्रक्चर है यूरेसिल का और थायमिन का, ये ऑलमोस्ट एकदम सिमिलर है। इसके बीच में कोई भी एक माइनर सा डिफरेंस बोल सकते हैं, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है जो आपको याद रखना है कि जो फिफ्थ वाला जो कार्बन है आपको यहाँ पे आपको CH3 ग्रुप लगाना है, जो मिथाइल ग्रुप बोलते हैं वो आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। ये आपका है यूरेसिल, ये है थायमिन और ये है साइटोसिन, ठीक है। देखो ये सारे के सारे इमेज आपको ढंग से देखने हैं, ठीक है। और जैसे कि इसको देखो कैपिटल, इससे यूरेसिल को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, साइटोसिन को सी से और थायमिन को टी से। और जैसे मैंने भी आपको बता चुका है, ठीक है दोस्तों, अगर आपको कुछ भी सीखने को मिले हो तो लाइक और शेयर जरूर करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करो दोस्तों, ठीक है।